लाहौर जिंदा दिलों का शहर। लाहौर के वस्ती हिस्से में जहां चार अहम शहराओं का संगम होता है, एक बैजवी चक्कर में मुगलिया तामीर शुदा इमारत खड़ी नजर आती है। देखने वालों के लिए बहुत से सवालात छोड़ती चली जाती है। इस तारीखी इमारत चौबुर्जी की वजह से ये इलाका भी चौबुर्जी कहलाता है। ये इमारत जो कि एक बड़े मुगलिया बाग का सदर दरवाजा है, अपने चार बड़े बुर्जों की वजह से चहार बुर्ज और बाद हजार चौबुर्जी कहलाया। ये इमारत शाहजहानी दौर की तमाम खसूसियात से मुजैन नजर आती है। सारी इमारत कलबूती है, मुख्तलिफ हिस्सों में सब्ज नीले और जर्द रंग की खुशनुमा टाइलें नस्ब हैं और इन टाइलों की मदद से नफीस गुलकारी और नक्काशी की गई है। इनकलाबात जमाना ने इस इमारत को खासा नुकसान पहुंचाया है और अब बाग का सिर्फ ये सदर दरवाजा ही बचा है। दरवाजे की पेशानी पर मशरिक की सिम नीले हरूफ में बख्ते जली आयतल कुर्सी मनकूश है और आयतल कुर्सी के आखिर में 1056 हिजरी यानी 1646 ईस्वी दर्ज है, जो कि गुजरते जमाने के सबब मिट सा गया है, लेकिन निशान अभी भी बाकी है। इसके अलावा दो अशआर दर्ज हैं। बफजल कादिर दक्यूं मुखालिक तोरा बना पजी शदई बागे रोजे रिजवान बगश मरहमत ते आई बागे बर मियां बाई लुत्फ साहिब जंबीदे बेगम दोरा। यानी अल्लाह ताला की मेहरबानी से जो कादर कयूम और जमाने को पैदा करने वाला है, दहशत का नमूना ये बाग तामीर हुआ और जमाने को आरास्ता करने वाली बेगम साहिब ने अजराए लुत्फ कर्म ये बाग मियां बाई को बख्श दिया। जो कि लाहौर शहर अपनी तारीखी इमारत की वजह से मशहूर है, लेकिन एक जमाने में इसे बागों का शहर कहा जाता था और लाहौर के बागात पूरे हिंदुस्तान में मशहूर थे। गर्दिश जमाना से ना वो बाग रहे और ना वो बाग वाले। ये इमारत जो कि एक बड़े मुगलिया बाग का सदर दरवाजा है, अपने चार बड़े बुर्जों की वजह से चौबुर्जी कहलाती है। इस बाग की तामीर और बानियों के मुतालिक लाहौर के मौरखों और उनकी तकलीफ में मुसन्निफीन ने भी अजीबोगरीब अफसानों से काम लिया है। कुछ के नजदीक इस बाग की वसत का अंदाजा इस बात से लगाया जाता है कि ये दाता दरबार से शुरू होकर मौजूदा नवाकोट तक मौजूद था और इसके बगल में दरिया रावी बहता था। दरिया के साथ दिलफरेब नजारों को इस बाग में मौजूद फव्वारों और खूबसूरत बारादरियों ने अपनी मिसाल आप बना दिया था, लेकिन तारीख के औराक पलटे जाएं तो इस बारे में मालूमात ना होने के बराबर है। ये बात तो दुरुस्त मालूम होती है कि ये बाग अपने जमाना अरूज में वसी अरीज और खूबसूरत रहा होगा, लेकिन ये कब और किसने बनाया ये सरबस्ता राज है। मौरखीन के नजदीक जो मुतफिका राय पाई जाती है और इसका तस्करा तहकीकात चिश्ती में मौलवी नूर अहमद चिश्ती ने कुछ इस तरह किया है। ये बाग मियां बाई का है, जिसके मुतल्लिक मगरबी दरवाजे पर ये शेर लिखा है। साख्त मियां बाई फख्र मसा रोजे आली इरम में इत्तेशाम। मियां बाई औरंगजेब की फाजिल बेटी ज़ेब-उन-निसा की कनीज थी और इसकी ज़ेर निगरानी ज़ेब-उन-निसा ने ये आलीशान बाग तमीर करवाया। बाग की तकमील के बाद जब शहजादी इसके मुआयने के लिए आई तो रास्ते में सब लोगों से यही कहते सुना कि शहजादी मियां बाई का बाग देखने आई।
چونکہ باقی شہرت اس کی کنیز کے نام ہو چکی تھی اور شہزادی خود اپنے کانوں سے سن چکی تھی، لہذا اس نے معائنے کے بعد میاں بائی خدمات سے خوش ہو کر یہ باغ جس پر کئی لاکھ خرچ ہو چکے تھے اسی کو بخش دیا، اور اپنے لیے ایک نیا باغ اسے کچھ فاصلے پر جہاں اب نواکوٹ آباد ہے بنوایا۔ اسی بات کو تاریخ لاہور ایجوکیشن ان مسلم انڈیا کے مصنفوں نے دہرایا، لیکن بعض ہزار محققین نے بڑی چھان بین کے بعد حقیقت کو افسانے سے جدا کر کے یہ بات ثابت کی کہ اورنگزیب کی بیٹی زیب النساء کا اس باغ کی تعمیر سے کوئی تعلق نہ تھا۔ مشہور محقق اور تاریخ دان مولانا محمد عبداللہ قریشی کے بیان کے مطابق چوبرجی کی تاریخی عمارت جو کہ اپنے چار عدد خوبصورت بلند برجوں کی وجہ سے چار برج سے چوبرجی کہلاتی ہے، ایک مغلیہ باغ کا صدر دروازہ ہے۔ زمانے کی شکست ریخ کے باعث باغ تو ختم ہو چکا اور صرف صدر دروازہ رہ گیا۔ مقامی روایات کے مطابق یہ باغ اورنگزیب کی بیٹی زیب النساء نے اپنی کنیز میاں بائی کو بخش دیا تھا،